ताहर को फौरन बुलाया जाए। ठीक है महाराज, तहसील बुलाए। हेलो महाबल बिजुआ ताहर सिंह साहब, आपके पिताजी ने याद किया है। पिताजी तो पद पंकज पर शेष धर पर करो पिता प्रणाम, तो पुरवाया है मुझे अब। मुलाकात करना चाहते हैं, अपने बाबा श्री से मिलिए। हमारे मामा श्री आए हुए हैं, आज इस दिल्ली के दरबार में मामा श्री पधारे हुए हैं। राय मामा जी से जरूर मिलूंगा, मामा जी से जरूर मिलूंगा। नौकर नजर नहीं आता है, कहां पर हुआ, कहां मर गया रे शंकर। आओ थान, अरे धीरे धीरे का मारा पी राने ना नदिया पथरी Thank you.
सुअर का बच्चा कौन सी कोठरी लीपने की बात करता है रे? मामा जी आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उनसे मुलाकात करूंगा और उसके बाद देखा जाएगा। ठीक ठाक है मामा जी, वैसे तो सब कुशल मंगल है। सब बढ़िया मेरे भैया, अच्छा ठीक ठाक। अच्छा हाँ अच्छा ठीक ठाक। और मेरे भाई ये भाई की कैसे हालचाल है? वो खाता तो बढ़िया, वो ठीक ठाक। और मामी जी के? हाँ मामी जी के हालचाल कम ठीक रहते थे, सर्दी जुकाम वाला बात है वहाँ तुमसे बताए तो वही हमका अच्छा अच्छा लागत है की तुमसे कहा बताए मामा हम हो गए चलो तो हमका तो मामा उनके मुँह हमका अतरा अच्छा लागत है। तुम का हटा हाँ खाए अतरा अच्छा लागत है कि जैसे भैंसा क्या चूटता रो। मामा जी सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें दरबार में आए हुए कितना समय हुआ? अरे घंटा खाता हुआ नहीं गए, घंटा एक घंटा हो गया। हाँ घंटा भर के ज्यादा हो गए। अरे पंचम लाल हमारे मामा जी को एक घंटा से ज्यादा हो गया, अब तुम लोगों ने हमारे मामा को चाय नाश्ता वगैरह वगैरह नहीं, चाय नाश्ता हमके मामा खाना कहो के नाश्ता कुछ नहीं हुआ नहीं, नहीं मामा नहीं माकर माकर लोनी खवाए पूछो क्या होता है ये क्या होता है? पंचम लाल से पकौड़ी कहते हैं और आलू खोसा। फिर वही बात दिनेश लाल नहीं मामा नाश्ता का मामा तुमका लड्डू खुआने का दिनेश भैया अब दूध है करिया करिया खुआन खुआ अब घर माली दे गए रहा है वे उसको काला जाम कहते हैं। करिया करिया रहा ठीक है मामा तमाकू नहीं मिली नहीं मिली हाँ यू गोपालपुर पूरा छान डालन है और बताए खजूर चले गए तो थोड़े खजूरी। अरे दरिया बात तक मामा नहीं मिली तमाकू लॉकडाउन है मामा
हाँ और इधर एक है मसाला इधर एक दुकानदार था उन्हें गोपाल वर्मा जो लौटे लेकिन कंधे भी हो जाए मामा का मसाला हाँ मसाला रात फ्री आए मामा खा लियो मैं तमाखू मिली हुआ मेहमान है ना हमारे मामा चीते ये कौन सा मसाला खिला दिया रे फिर किसकी गलती है और कौन सा ऐसा दुकानदार है क्या चीज मामा इनका ये कहा ना दिया है इनका तो मजा उठता है अबे बताओ मनमाना ले दरवाजे तक मुलाकात हो जाता है धानू हाँ धानू धानू हमारे इस नौलाख सेना का सेनापति है तो मुलाकात हो ठीक है धानू से मुलाकात करना चाहते हो हरमा सिंह हमारे सेनापति धानू को सैन्य दरबार में बुलाया जाए बैठिए हाँ सेनापति धानू वहां जाओ राज दरबार में महाराज जी याद कर रहे हैं चलो आ रहे हैं अरे भारत की शान अरे भारत की शान लहरे झंडा निशान चक्र दहले असे दिल्ली बने लाए सरगल लहरे भारत की धरे धंधा
क्यों बुलाया है? शाला पता दो, तुमको बुलाया इसलिए कि तुम्हारे मामा श्री आए हैं। क्या हमारे मामा? हाँ, हमारे माहिर मामा। हाँ हाँ, वो मुलाकात करना चाहते हैं। क्या आए हैं? हाँ, बहुत अच्छा महाराज, चलो चलते हैं। आए उनसे मिले। हाँ मामा, आपको तो मालूम होगा किनानगर में जब हमें चाचा परमाल ने और भैया ने निकाला था तो हमें कहीं सहारा ना मिला, तो हमने सोचा कि पृथ्वीराज के यहाँ चले, शायद हमें वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। तो महाराज, हम यहाँ का सेनापत धांधु हूँ। काम का चला कौन गुजर बछर हुए? और कहिए भैया, आला के क्या समाचार है? सब बढ़िया, उनके सबके तो ठीक ठाक है। अच्छा, सब ठीक ठाक है ना? मोहबे ना, मोहबे ना, कनौज, वो तो कनौज में चल रहा था। हाँ, जब कनौज में कितने देर रहा, कनौज में रहा था। अच्छा, हाँ ठीक है, कहीं रहे। तुम आयो, क्या होता? तुम आयो तुझे बाद वो सब कनौज चले गए। ठीक है, हमें नहीं मालूम था कहीं रहे, हमें क्या मतलब है। मामा जी, सबसे मुलाकात हो गई ना? हाँ, मुलाकात तो सब हो गई। फिर चलो आराम किया जाए मामा जी। अरे यार, बात रहा तो कहो, बता दे कहा ना बताई हो का मामा जी। आए? अरे वो कौन सी ऐसी बात है जो बताना चाहते हो और फिर बाद में रुक जाते हो? अरे बताओ, काम सोचे बता दे, बात ना मानी जाए तब वो बेकार है। मामा जी नहीं, आज तक इस दिल्ली के दरबार में मामा जी की बात ना मानी गई हो तो बोलो। अरे हाँ, मानी तो कौन सी ऐसी बात है, तत्काल बताओ मामा जी। तो चलो मलखनऊ मार डालो। क्या कहा मामा जी? मामा जी, अरे मैं अपने दिल्ली में राज करता हूँ और वो सिरसा में राज करता है, मेरी और उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। फिर बोलो मामा जी, उसे मैं कैसे मार दूँ? और फिर छोटे ठाकुर, आला कोई बकरी का बच्चा नहीं है, तो उसे मार दिया जाए। मामा, हाँ? ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे हम तो मलखान कोई बकरी का बच्चा है? नहीं, बकरी का बच्चा तो नहीं है। तो फिर क्यों? लेकिन हम सोचे ना कि तुम मार डरते हो। चला मामा जी, सब मेरी उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, दुश्मनी तो नहीं है, तुमसे दुश्मनी कौन नहीं है? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। और याद है तुम्हारे ये पिताजी से पोड़ का झंझट मारा है? कौन सा झगड़ा हुआ था हमारे पिताजी से? और के जाऊं बेइज्जती भाई के भाई पर। और किसकी बेइज्जती हुई मामा जी? तुम्हें यहाँ बहनों भी आए माँ। फिर क्या हुआ? तुम्हें यहाँ बहन बहला की शादी माँ, और पता नहीं कहा बात कहू, लड़का नहीं पावर रहा है कहा दो, और भैया गए ब्रह्म भक्त जी का चढ़ा दी हमारे पिताजी ने। हाँ, बर्मा भाई लौंदे का। अच्छा, भैया बरात लेके हुआ बरात लेके आवा, बच्चा द्वारे चार बटोर के गए। और उसके बाद क्या हुआ? वो पता नहीं कहा बात हो गए, वो भाई का धकेल दी हमारे पिताजी को धक्का दे दिया। तुम कहा बात पे तुम जहाँ जाता हूँ जन्नत है करा दो कहा तो कल मामा तुम चुप पे ना हो और मैं तुम्हारे हाथ दे लाते मार दिया। तो भैया चुप पे बैठ गए। और फिर क्या हुआ मामा जी? उठा उठा पटका ला जानी उस मलखान ने। या का पटका दो मारा, दो का पटका चार मारा, जी का उठा पटक दिया, ते का छत दे जान निकल जा कर। मामा जी मैं कहा था भैया तुम नान के रहो कनिया में रहो। हां, मैं छोटा था भाई पहले तो हमने तो राय बताई थे, उधर भाई पूछ लिया मामा जी अब आप सत्य समझ लो मामा जी, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। बात बोल लिया पिताजी, पिताजी क्या मामा जी ने जो बतलाया सत्य है?
बाबा जी तुम्हारे जो बतला रहे हो बात सच है। जो कहो सत्य है। नहीं बलखान शाबाश। सबसे पहले कोई वीर की चीज सुनाई जाए। वीर की कौन सी सुनाई दो कि हमारे लोगों की हम लोगों के भुजाओं में ताकत और गुस्सा आए। अरे देखो तुम्हें रोकने की कोशिश हम लोग खूब कागज करेंगे। साफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है हम लोग रोकेंगे। हाँ नहीं गोपालपुर रहने